गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10th चैप्टर ऑफ 8th क्लास, सेफ्टी वाइल ड्राइविंग, मीन्स ड्राइव करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखना। ड्राइविंग करना एक स्किल है, इसमें हम एफिशिएंट जल्दी नहीं होते, इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना हम ड्राइविंग में प्रैक्टिस करेंगे उतना हम ज़्यादा सीखते जाएंगे। फर्स्टली वी डिस्कस वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज मिसचीफ। मिसचीफ मीन्स शरारत। आइटिनरेरी मीन्स होता है, आइटिनरेरी मीन्स घूमना, यात्रा पे जाना या घूमने का प्लान बनाना। स्नेक मीन्स नॉट सो ब्रेव। स्नेक मीन्स कायर, डरने वाला। रिवर्स मीन्स उसको उल्टा करना, पीछे करना। मैकेनिज्म मीन्स तंत्र, नेटवर्क, कार्यविधि। कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। इम्पाउंड मीन्स इज जब्त करना, सीज करना। काउंसल मीन्स काउंसल, मीन्स सलाह देनी, एडवाइस देनी। ब्लंडर बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी मिस्टेक। लास्ट इज रिफ्लेक्सिस, मीन्स शेडो, रिफ्लेक्शन पड़ना। शेडो भी बोल सकते हो, इमेज भी बोल सकते हो। नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट लाइन इज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको पता चलेगा ड्राइविंग के बारे में। कई बच्चे क्या होते हैं, ये समझने लग जाते हैं कि हमें ड्राइविंग करना आ गया है, थोड़ा सा ही चलाने में, मूव करने में, या इंटरनेट पे देख देख के या गेम खेल के यही फील करने लग जाते हैं कि हमें ड्राइविंग करना आ गया है, फिर वो रोड पे लेके चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम इससे हमें इंसिडेंट का सामना करना पड़ सकता है। सो क्या कुछ सेफ्टी है देखते हैं। सीमा इज़ अ 15-year-old girl. सीमा क्या है, एक 15 साल की girl है। She loves automobiles and keeps dreaming about driving cars on the road. Means वो automobiles को love करती है और ये car को road पे चलाने का उसको क्या है, एक dream है। उसका सपना क्या है, keeping dream, वो इसके about dream देखती है कि वो एक road पे कार चलाए रोड पर। शी रीड्स अ लॉट अबाउट कार, देयर मैकेनिज्म ऑन द इंटरनेट। आई रिपीट अगेन, शी रीड्स अ लॉट अबाउट कार्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑन द इंटरनेट। उसने कार और इसके नेटवर्क के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा है। कार के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसने इंटरनेट पे ली है। उसने बहुत पढ़ा है कार के अबाउट इंटरनेट पर। शी फील्स दैट शी नोज एवरीथिंग अबाउट द ड्राइविंग कार्स। उसने फील किया, उसे इससे ये लगने लग गया था कि वो सब कुछ ड्राइविंग कार के बारे में सीख गई है, उसको पता चल गया है सब कुछ। लास्ट ईयर क्या होता, शी वॉज जस्ट 14, वो सिर्फ 14 साल की थी। एंड ट्राई टू टेक हर मदर्स कार आउट ऑन द रोड टू ड्राइव विदाउट टेलिंग हर मदर। और उसने कोशिश की अपने मदर की जो कार है वो रोड पे ले जाके ड्राइव करने के लिए और विदाउट टेलिंग हर मदर, बिना अपनी मदर को बताए। हेयर सीमा इज टेलिंग, यहाँ सीमा बता रही है हर स्टोरी ऑफ द डे शी प्लान्ड दिस मिसचीव। अपनी स्टोरी बता रही है उस दिन की, स्टोरी ऑफ द डे दैट प्लान, जब उसने क्या किया था, प्लान किया था ये मिसचीव। मैंने बताई थी आपको शरारत होती है मिसचीव, जब उसने प्लान किया था। तो एक स्टोरी बता रही है कि जब वो अपनी मदर की कार रोड पे लेके जाती है तो उसके साथ क्या होता है। आई एम सीमा, मैं सीमा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ दैट टॉट मी एन इन इम्पोर्टेंट लेसन। मैं सीमा हूँ, मैं आपको अपने लाइफ की एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। स्टोरी मीन्स स्मॉल इंसिडेंट बताने जा रही हूँ। इंसिडेंट मीन्स घटना होती है, इवेंट होता है जब लाइफ में कुछ बुरा हो जाए। एक इंसिडेंट बताने जा रही हूँ मेरी लाइफ का, जिसने मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया है। मीन्स जिस इंसिडेंट ने मुझे कुछ अच्छा सिखाया है।
एंड इम्पोर्टेंट लेसन. आई लव्स कार, मैं मुझे कार बहुत पसंद है. आई कीप रीडिंग अबाउट कार ऑन द इंटरनेट, मैं कार के बारे में इंटरनेट पे पढ़ती रहती हूँ. आफ्टर रीडिंग सो मच अबाउट कार्स एंड ड्राइविंग कार्स, कार बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग कार के अबाउट, ड्राइविंग कार के अबाउट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया दैट आई हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट कार. तो मैंने फेल्ट किया कि मुझे सब कुछ कार के बारे में समझ में आ गया है एंड वुड बी एबल टू सेफ्टी ड्राइव ऑन द रोड. और मैं एबल हो गई हूँ, इस योग्य हो गई हूँ कि मैं एक कार को रोड पे चला पाऊँ. मैं इसके एबल हो गई हूँ कि मैं एक कार को रोड पे चला पाऊँ. जस्ट वो इमेजिन कर रही है, सिर्फ वो इससे ही एस्टिमेट लगा रही है, क्योंकि सिर्फ उसने इंटरनेट से ही पढ़ा है, उसने एक्सपीरियंस भी नहीं किया चला के. वो इंटरनेट से पढ़ के कार के अबाउट सिर्फ देख के ही वो एस्टिमेट लगा रही है कि मुझे कार के बारे में सब पता चल गया है और मैं वो इसको रोड पे चला पाऊँगी. आई कॉल्ड माई फ्रेंड भाविया हु इज़ इक्वली इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग. मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, भाविया को, जो इतनी ही इंटरेस्ट रखती थी जितना कि इंटरेस्ट मुझे है, इतनी ही इक्वली इंटरेस्टेड थी ड्राइविंग करने में. एंड ऑल्सो नोज हाउ टू राइड अ मोबाइक, और उसको वो जानती थी कि एक मोबाइक को कैसे चलाना है. मोबाइक यहाँ एक कार ही होती है. आई टोल्ड हर दैट माई मदर वॉज गोइंग टू दिल्ली, हर कार वुड बी फ्री. मैंने उसको बताया कि मेरी मदर जो है वो दिल्ली जाने वाली हैं और जो उनकी कार है वो फ्री है. हैव यू ऑल्सो गॉट एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई एंड सेड, उसने कहा दैट शी वुड कम टू माई हाउस, और वो कहाँ आएगी, मेरे घर आएगी. नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट डे, अगली सुबह क्या होता है, माई मदर वेंट टू दिल्ली एंड आई कॉल्ड भाविया होम. माई मदर, मेरी माता जो है वो दिल्ली चली गई हैं, और वो मैंने अगले दिन किसको बुलाया, भाविया को अपने घर बुलाया. भाविया केम होम, वो घर आई भाविया, एंड वी स्टार्टेड प्लानिंग अवर, और हमने वो हमारे घर आई और हमने क्या स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, घूमने की प्लानिंग, कहीं जाने की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया. वी प्लान टू गो टू सेक्टर 17 विच इज़ ह्यूज शॉपिंग कम्प्लेक्स, और हमने सेक्टर 17 में जाना प्लान किया, विच इज़ ह्यूज, जहाँ पे जो क्या है ह्यूज होता है बहुत बड़ा शॉपिंग करने वाली प्लेस है, जहाँ पे शॉपिंग की जा सकती है. सिंस इट वॉज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का. आई आस्क्ड भाविया टू टेक द कार आउट ऑफ द गैरेज, मैंने भाविया को गैरेज से कार बाहर निकालने के लिए कहा. वी स्नीक्ड आउट ऑफ द हाउस विद द कार कीज, यह स्नीक्ड आउट मीनिंग इज चुपके से घर से बाहर निकलना. हम कार की की के साथ चुपके से घर से बाहर निकल गए. भाविया सेट इन द ड्राइविंग सीट एंड स्टार्टेड रिवर्सिंग द कार, भाविया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कार को पीछे की तरफ मोड़ना स्टार्ट कर दिया. भाविया लुक्ड आउट द कार वेरी भाविया टुक आउट द कार वेरी कॉन्फिडेंटली, मीन्स भाविया ने कार ऐसे ली बहुत ही कॉन्फिडेंटली, जैसे कि वो चलाने में बहुत एक्सपर्ट है. वी बोथ वर वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश थे. आई टोल्ड हर दैट शी शुड कंटिन्यू टू ड्राइव टिल द एंड ऑफ द रोड, मैंने उसको बताया कि रोड की एंड तक उसको चलाना चाहिए. शी शुड कंटिन्यू, वो रोड की एंड तक कंटिन्यू रखेगी और उसके बाद वो अपनी टर्न कर, वो टर्न वाइज चला रही है ना, पहले वो भाविया चलाएगी, उसके बाद सीमा, उसके बाद वो अपनी टर्न ले लेगी. आई वुड टेक माई टर्न टू ड्राइव, ड्राइव करने के लिए मैं अपनी टर्न ले लूँगी. नेक्स्ट इज भाविया स्टार्टेड ड्राइविंग, भाविया ने स्टार्ट किया कार को चलाना. सिंस शी कुड राइड अ मोबाइक एंड ऑल्सो हेल्प हर फादर मैनी टाइम इन टेकिंग द कार आउट ऑफ द गेट, वो क्या है, क्या चला रही थी, वो मोबाइक चलाती थी
चला पाती थी मोबाइल को, शी कुड राइड अ बाइक, मोबाइल को चला पाती थी। उसने बहुत सारे बहुत बार अपने फादर की हेल्प भी की है टेकिंग द कार, कार को ले जाने में, गेट से बाहर कार को ले जाने में उसने बहुत बार अपने फादर की हेल्प भी की है। नेक्स्ट इज शी न्यू द मैकेनिज्म एंड ड्रॉ विद कॉन्फिडेंस, वो जानती थी उसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, और वो कॉन्फिडेंटली चला पा रही थी, उसने कॉन्फिडेंटली चलाया। नेक्स्ट इज आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई डिस्कशन प्लीज़ लाइक शेयर करते रहो। एज बढ़ते आगे, एज वी रीच द एंड ऑफ द रोड, जैसे ही हम रोड के एंड पे पहुँचे, आई आस्क्ड हर टू स्टॉप द कार, मैंने उसको कार रोकने के लिए कहा। एज शी वॉज ट्राइंग टू स्टॉप द कार, जैसे ही उसने कार रोकने की कोशिश की, टू ट्रैफिक पुलिसमैन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज, दो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो बाहर आए, किसके पीछे से, ट्री के पीछे से बाहर आए। दे आस्क्ड अस टू कम आउट ऑफ द कार, उन्होंने हमें कार से बाहर आने के लिए कहा। आस्क्ड भाविया टू शो देम हर ड्राइविंग लाइसेंस, उन्होंने भाविया से कहा कि हमें कार का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखाएं। शी वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड एंड शी लाइक मी, शी डिड नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, वो कितने साल की थी, ओनली वो सिर्फ 14 साल की थी, मेरे जैसे, शी डिड नॉट, मेरे जैसे उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बिकॉज हम जब 18 से बिलो होते हैं, तो हम ना तो हम ड्राइव कर सकते हैं और ना ही हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन सकता है। द पुलिस मैन आस्क्ड अस अवर नेम, पुलिस मैन ने हमारे जो नाम है वो पूछे, और हमारी एज पूछी, और हमारा एड्रेस, हम रहते कहाँ हैं वो पूछा। दे ऑल्सो टुक अवर पेरेंट्स मोबाइल नंबर एंड कॉल देम, उन्होंने हमारे पेरेंट्स का नंबर भी लिया और उनको कॉल भी किया। माई मदर वॉज ऑन हर वे टू दिल्ली, में मदर कहाँ थी, वे में थी, मीन्स दिल्ली के, दिल्ली जा रहे थे वो, रास्ते में थे। वन शी रिसीव द फ़ोन, जब उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, शी इमीडिएटली कॉल्ड माई फादर, इमीडिएटली उन्होंने तुरंत ही मेरे फादर को कॉल किया एंड आस्क्ड हिम टू मीट द पुलिस, और उनको बोला कि वो किससे मिले, पुलिस से मिले। भाविया'स फादर केम, भाविया की जो फादर हैं वो आए। द पुलिस मैन टोल्ड हिम, पुलिस मैन ने उनको बताया, उसके फादर को, दैट दे वुड impound the car as two minor were sitting in the car, one of them was driving, उन्होंने कहा, ध्यान से समझो, impound मतलब उन्होंने कार को क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने कार को impound कर लिया है, इसमें minor जो छोटे बच्चे इसमें बैठे हैं, कार चला रहे थे, वर सिटिंग, कार में बैठ रहे थे, और उनमें से एक ड्राइविंग कर रहा था। नेक्स्ट इज कार वॉज इम्पाउंडेड, कार जब्त कर ली गई। द पुलिस टुक बोथ ऑफ अस टू द पुलिस स्टेशन, वॉज राइटिंग द रिपोर्ट, जो पुलिस हैं वो हम दोनों को पुलिस स्टेशन लेके गई रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट राइट कराने के लिए। दे ऑल्सो कंसल्ट अस ऑन द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ वट वर प्लानिंग टू डू। नेक्स्ट इज दे काउंसल्ड अस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वट वी वर प्लानिंग टू डू, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें एडवाइस दी कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे, क्या रिजल्ट्स हो सकते थे जो हमने प्लान किया था। दे सेड दैट वी कुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता था, वी कुड हैव मेट, हमारे साथ क्या हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, वी माइट हैव हर्ट अवर सेल्फ बैडली, हम अपने आप को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर लेते। दे ऑल्सो टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें ये भी बताया, दैट वी कुड हैव ऑल्सो इंजर्ड समवन ऑन द रोड, कि हम किसी को इंजर्ड, हम किसी को जख्मी भी कर सकते थे रोड पे। नेक्स्ट इज देन दे शोड अस पिक्चर्स ऑफ सम एक्सीडेंट, और उन्होंने हमें कुछ पिक्चर दिखाई एक्सीडेंट की। वी बोथ गॉट वेरी स्केयर्ड एंड
when we saw the picture in which our child had died. हम बहुत दोनों बहुत डर गए थे जब हमने एक पिक्चर में एक बच्चे की डेथ को देखा, एक बच्चे को मरते हुए देखा. वी लुक्ड एट ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे. एंड डिसाइडेड नेवर टू रिपीट सच अ ब्लंडर. ब्लंडर मीन्स मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी भूल होती है. उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसी भूल को, इतनी बड़ी भूल को, ब्लंडर को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. वी डिसाइडेड दैट वी विल लर्न हाउ टू ड्राइव फ्रॉम आर ड्राइविंग स्कूल व्हेन वी टर्न 18. हमने डिसाइड किया वी विल लर्न, हम ड्राइविंग सीखेंगे, हाउ टू ड्राइव, कि सीखना कैसे है ड्राइविंग स्कूल से जब हम 18 के हो जाएंगे. नेक्स्ट इज नोइंग द मैकेनिज्म ऑफ कार्स डज नॉट मेक यू अ गुड ड्राइवर. जस्ट मैकेनिज्म के बारे में जान लेना आपको गुड ड्राइवर नहीं बनाता है. ड्राइविंग इज अ स्किल, ड्राइविंग एक स्किल है विच इज लर्नड विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ड्राइविंग एक स्किल है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द रूल ऑफ द रोड, और ये जानना भी ज़रूरी है, रोड के रूल्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है एंड समझना भी ज़रूरी है. टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सिग्नल्स, और ट्रैफिक सिग्नल्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज द ट्रैफिक लाइट्स शोज पीपल व्हेन इट इज़ सेफ टू क्रॉस द रोड एंड वैन टू स्टॉप. जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो लोगों को शो करती हैं कि कब रोड को क्रॉस करना सेफ होता है और कब रुकना सेफ होता है. नेक्स्ट इज द रोड रूल्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द रोड यूजर्स. रोड यूजर्स मीन्स जो लोग ड्राइव करते हैं. नेक्स्ट इज जो रोड के रूल हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं. किन के लिए? जो ड्राइविंग करते हैं, रोड को यूज़ करते हैं, लोग जो यूज़ करने वाले होते हैं उनके लिए ही क्या है, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. वंस ऑन द रोड वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल. हमें रोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. द ड्राइवर शुड बी पेशेंट. ड्राइवर जो है उसको पेशेंट होना चाहिए, बहुत उसको धैर्य होना चाहिए उसके अंदर. कंसिडरेट मीन्स उसका पूरा ध्यान होना चाहिए भी किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं, आसपास आगे पीछे कोई ट्रैफिक तो नहीं है. वी मस्ट क्विक रिफ्लेक्शंस. रिफ्लेक्सिस मैंने बताया था, हमें बहुत क्विक रिफ्लेक्सिस होना चाहिए. एंड द पेडेस्ट्रियन शुड बी पेशेंट, कॉन्शियस एंड अलर्ट. पेडेस्ट्रियन जो लोग पैदल चलते हैं उनको भी पेशेंस होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए. ध्यान उनका होना चाहिए जो रोड पे जा रहे हैं आगे पीछे, ट्रैफिक रूल को ध्यान में रखते हुए रोड को क्रॉस करना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी मस्ट कम फर्स्ट व्हेन ड्राइविंग. तो हमेशा ये रिमेंबर याद रखना चाहिए कि सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी मस्ट कम फर्स्ट. ड्राइविंग करने से पहले सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी ज़रूरी है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा. डिस्कशन अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर अपलोडेड हैं, ICSE के 3rd to 10th class एंड CBSE के भी. इस पर बहुत सारे इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर अपलोडेड हैं. 8th class के भी हम अब पूरा कंप्लीट कर लेंगे 12th तक. तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखता है. आपको नहीं पता एक लाइक और एक शेयर से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़.